निकित अंबोली निकल तो गए हैं खतरों के खिलाड़ी के सफर पर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपने भाई को नहीं भुला पा रही हैं, अपनी भाई की यादों को नहीं भुला पा रही हैं। और ये मुमकिन भी नहीं हो सकता है, इतनी क्लोज थी वो अपने भाई के, अपने घर के इतने इंपॉर्टेंट मेंबर को खो दिया है उन्होंने। तो ये सफर उनके लिए ईजी तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन एक चीज उन्होंने ऐसी शेयर कर दी है इंस्टाग्राम पर जिसको देखकर हमारी आंखें भी नम हो गई। क्या है पूरी खबर, चलिए बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। दरअसल जब कोई चला जाता है ये दुनिया छोड़कर, तो हम लोग कहते हैं कि बादलों के पार जरूर मिलेगा वो इंसान, वो इंसान सितारा बन जाता है या फिर आसमान में समा जाता है। इस तरह की बातें तो हम लोग कई बार करते हैं ना बच्चों को समझाने के लिए कि वो इंसान कहाँ चला गया है। ऐसा ही कुछ ऐसा लग रहा है जैसे निकित अंबोली ने बिलीव कर रखा है और बादलों के पार अपने भाई को ढूंढती हुई नजर आ रही है। दरअसल फ्लाइट में उड़ रही निकित अंबोली ने बादलों के पार की एक पिक्चर शेयर करते हुए उसमें लिखा है कांट सी यू। जी हाँ, वो अपने भाई को नहीं देख पा रही हैं और ये सोच सोचकर और वीक पड़ रही हैं और कमजोर पड़ रही हैं निकी। हमको ऐसा लग रहा है इस समय पर निकी को जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है, बिकॉज वो ऐसे लॉस से डील कर रही हैं जिससे डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। इतने क्लोज फैमिली मेंबर को खो देना, उसके बाद भी अपने वर्क कमिटमेंट्स को फॉलो करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। लेकिन निकी अगर इस सफर पर जा पाई हैं तो सिर्फ अपनी भाई की खुशी के लिए, जो बहुत खुश थे ये जानकर कि निकी को मिला है खतरों के खिलाड़ी का ऑफर। जी हाँ, उन्होंने ये चीज शेयर की थी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू कि उनके भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे ये जानकर दैट निकित अंबोली इज बीइंग अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी। और यही चीज सोचकर जो है वो इस सफर पर निकली हैं कि उनके भाई को वो प्राउड फील करवाना चाहती हैं, शो में कुछ बहुत बेहतरीन करना चाहती हैं। ऐसे में निकित अंबोली को हम खूब सारी स्ट्रेंथ देना चाहेंगे, खूब सारी गुड विशेस देना चाहेंगे ताकि वो अपने भाई का सपना पूरा कर सके। और निकी इस तरीके से हिम्मत ना हारिए, हम सभी आपके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे आप निकित अंबोली के बारे में, जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं इसी तरीके से लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।